नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G52 वर्सेस Realme C30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G52 में 6.33 इंच जबकि C30 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Moto G52 में 2.93 इंच जबकि C30 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Moto G52 में 0.31 इंच जबकि C30 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Moto G52 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G52 में 169 ग्राम जबकि C30 में 182 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Moto G52 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Moto G52 में जबकि C30 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G52 में 6.6 इंचेस जबकि C30 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G52 में 1080x2400 और C30 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G52 में 87.85% जबकि C30 में 82.22% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G52 में 399 पिक्सल प्रति इंच जबकि C30 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G52 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और C30 की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Moto G52 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C30 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G52 में Adreno 610 जबकि C30 में Mali G57 MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G52 में Qualcomm Snapdragon 680 और C30 में Unisoc T612 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G52 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि C30 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G52 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि C30 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G52 में अप टू 1TB जबकि C30 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Moto G52 में Android V12 जबकि C30 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Moto G52 में 2 कलर्स जबकि C30 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G52 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C30 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 7,499 रुपीस, 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,299 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो जी 52 में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी सी 30 की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में मोटो जी 52 आगे है, मेन कैमरा में मोटो जी 52 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में मोटो जी 52 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको M3 Pro 5G है, दूसरा रियलमी 9 Pro 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M32 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 10A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।